तो मैंने फर्स्ट लेक्चर आज बंक किया है, तो जस्ट गेस अभी लेक्चर खत्म हुआ है। ऑब्जर्वरशिप हम कैसे लेके आने वाले हैं, क्या है बिहार में, क्या है उसके लिए फोन लोग बारिश का भाषा लिखने में अकेले में आते कुछ बूंदे बादलों से बेईमान हुई आज शहर में मेरे पहली बरसात हुई। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू डबल चैनल, डबल चैनल, प्लीज सब्सक्राइब। हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक साल बाद मुझे ये बोलने का मौका मिला है, हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई नो कि एक साल का गैप है यूट्यूब से, तो ये बहुत बड़ा गैप होता है, लेकिन मैंने यूट्यूब ऑलमोस्ट छोड़ दिया था। बीच में मैंने ट्राई भी किया था कि मैं व्लॉग शूट करूँ, डालूँ, मैंने किए भी थे शूट, लेकिन बीच में मेरा इंटरेस्ट चला गया। सो आपको बहुत से अपडेट देने फिलहाल ये व्लॉग में, मैं आपको मेरा MIT कॉलेज दिखाने वाला हूँ। सो अपडेट ऐसे कि मैं पहले सिंहगढ़ में था जब मैंने यूट्यूब चैनल वगैरह वो स्टार्ट किया, उसके बाद मुझे सिंहगढ़ की पब्लिक का बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, तभी मेरे 18K प्लस सब्सक्राइबर हो गए। लेकिन अभी फ़िलहाल का सीन ऐसा है कि मैंने सिंहगढ़ पास आउट हो चुका हूँ मैं, एंड मैंने एडमिशन लिया है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी कोथुड़ कैंपस। सो रोज़ मैं सिंहगढ़ कैंपस से वहाँ पे ट्रैवलिंग करता हूँ, सो रोज़ का मेरा 24 किलोमीटर का आना जाना है। मैंने कोथुड़ में फ्लैट क्यों नहीं लिया, बिकॉज मेरा जो मन है ये सिंहगढ़ कैंपस में लगा है, डेट्स वाई मैं सिंहगढ़ कैंपस छोड़ नहीं पा रहा हूँ, मेरे आधे फ्रेंड्स यहाँ पे ही है। और एक अपडेट है कि मेरा जो पुराना फ्लैट था, पुराने ब्लॉक्स में देखा होगा, तब मेरे शुभम गायकर, ओमकार, रजत, अक्षय, ये सब रूममेट्स थे, लेकिन मैंने फ्लैट अभी चेंज किया और अभी मेरे रूममेट है सौरभ एंड श्याम, दोनों ने MIT में एडमिशन लिया, तो हम तीनों रूममेट MIT से। आज मला हे आहे, ताप आलेला आहे सर, आज ताप आलाय का, कोई समझाओ की शर्ट इन करतो होता है यार, नहीं आज सीआर अच्छा मारा कुछ भी बोल, हां बेस्ट यार। नीलेश, व्हाट इज द इशू, दम सफोकेट होतोय, म्हणजे आजूबाजूला मुली बसते म्हणून का, एक तर तब्येत ठीक नाही आहे, त्याच्यात सफोकेशन वेगळं आहे, बड़े लोगों के बीच में छोटों ने नहीं बोलना चाहिए। मैं तो बोलती हूँ, बट कोई मानस नहीं है, सॉरी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इंग्लिश सीखेंगे हाँ पूरा बोले, लेकिन टोटल इंग्लिश में चाहिए, उसके ब्लॉग में डालेंगे। हाँ मैं डालने वाला हूँ, atrocious creature। हेलो गाइस, जस्ट लेक्चर खत्म हुआ है। हा धवले खूप चांगला आहे, आमचा CR आहे, फक्त एवढा आमचा अटेंडन्स नाही लावत, प्रॉक्सी नाही लावत। फाइनली लेक्चर इज ओवर, फार आनंद होते, आता रूम वरती जाऊन झोपाव। हे काय चालू आहे, हे काय नाही लीगली, आता काय विषय। सो अभी रात हो चुके, कॉलेज से आने के बाद एक घंटा मैं सोया हूँ, उसके बाद खाना खाया, फ्रेश हुआ हूँ, अभी जस्ट फ्रेश हुआ हूँ, एंड अभी हम ऐसी बहुत बोर हो रहा था, सो थोड़ा सा माइंड हल्का करने के लिए जा रहे हैं स्वामीनारायण टेम्पल, थोड़ी देर वहाँ पे बैठेंगे, फिर से आ जाएंगे और सो जाएंगे, कल सुबह फिर से मुझे जल्दी उठना है कॉलेज। हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग, एंड अभी फिर से सुबह जल्दी उठ के जाना पड़ रहा है कॉलेज, और आज लंच के बाद लगातार दो लेक्चर है, तो हमें रूम पे आने के लिए शाम के 6 बजने वाले हैं। इफ़ आई शो यू द व्यू फ्रॉम माय बालकनी, ये बहुत ही अच्छा व्यू है जिससे मेरी सुबह बहुत अच्छी होती है। सो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम माय बालकनी, और ये जो सामने है ये है सिंहगढ़ डेंटल कॉलेज, क्रिकेट ग्राउंड भी है नीचे, एंड बहुत ही अच्छा व्यू है। तो सुबह का मेरा नाश्ता होता है नैवेद्यम, जो कि सिंहगढ़ कैंपस में, और यहाँ का नाश्ता मुझे बहुत सही लगता है, सुबह का नाश्ता मैं नैवेद्यम पे करता हूँ। Yes,
इंग्लिश स्केच दाखव कोण आहेत पता नहीं ऐसे ही बैठे थे जो सोचा वो बना सी मुझे मेरी फटने रही अ सिंगल पीस ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड माय फ्यूचर आई मी माय सेल्फ इज माय ओन सेल्फ आई कैन टॉक इंग्लिश आई कैन वॉक इंग्लिश बिकॉज़ इंग्लिश इज अ वेरी फाइन लैंग्वेज एंड आई डोंट गिव अ डैश ब्रो टेंशन आलंय का तुला नाही माझ्या 100% कॉल मग डोक्याला का असा हात लावला होता एक मिनिट ही सगळी मजा होते सो अभी जस्ट गेस्ट हमारा लंच टाइम हो चुका है आ जा भाई आ जा देख ले हाय विवेक तेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे दे मारो नाम गोयल विवेक MIT में एडमिशन लीधेलू छे मैं ये है हमारी क्लासरूम 706 ऑफ चाणक्य बिल्डिंग आप देख सकते हो बहुत सही क्लासरूम है तो अभी फिलहाल बहुत काम करने बिकॉज अभी हाल ही में हमारा रूरल इमर्शन निकलने वाला है 3 दिन का एक रूरल प्रोग्राम होता है जो कि पुणे के आसपास कोई भी विलेज होगा वहाँ पे पूरा MC डिपार्टमेंट लेके आने का है तो मैं उसकी भी तैयारी में लगा हूँ और एक BBA का एंड MC का एक इवेंट है वो भी ऑर्गेनाइज करने का है नेक्स्ट मंथ सो उसकी भी तैयारी में लगा हूँ सो निलेशचा फोन गायब केला होता मग थोड्या वेळेच नंतर निलेशचा स्वतःचा फोन गायब झाला आणि अजून भेटत नाहीये तर भेटला मी परत कॉन्टॅक्ट करू तुम्हाला जैसी करनी वैसी बोल इंग्लिश में इसको बोलते हैं टिप फॉर टैप अभी मैं थैंक यू सो सो शालिनी ये भी तो एक कहावत है ना टिप फॉर टैप नहीं ना टिप फॉर टैप अभी तो तू बोली अरे ये कितना एक व्यक्ति कितना पलट सकता हम क्यों बोलना मैंने बस इतना बोला मेरा माउस कहाँ पे बस खत्म बात उसके हाथ में से माउस गया कहाँ वेरी बैड आज यहाँ पे वारदात करते हुए यहाँ पे पहले पारस का फोन गायब हुआ और उसी चंद लम्हों के बाद इस मोहतरमा का फोन गायब हुआ बस MC वालों के लेक्चर से सो आज भी थोड़ा थक चुका हूँ बिकॉज आज 5:30 बजे तक लेक्चर थे और 6:30 बजे में रुक गया हूँ सो उसके बाद थोड़ा सा मैं सोया था 15-20 मिनट भी फ्रेश होके सीएड कैंपस में गिरी बारिश डेट्स वाई बहुत ही एक ठंडा सा माहौल यहाँ पे है सो मैं वॉक के लिए आज बारिश गिरने के बाद बहुत अच्छी आज धूप आई है सो अभी मैं जा रहा हूँ नाश्ता करने और नाश्ता करने के बाद फिर से जाऊँगा मेरे कॉलेज हेलो पीपल ऑफ इंटरनेट दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड कल रात सोने के लिए मुझे बहुत टाइम हुआ सो मैंने फर्स्ट लेक्चर आज बंक किया है और अभी जा रहा हूँ कॉलेज तो पहला लेक्चर अभी मेरा मिस हो चुका है सो जस्ट गेस अभी लेक्चर ख़त्म हुआ है और जैसे कि मैंने आपको कल कहा था कि मैं एक इवेंट कर रहा हूँ MIT में जो कि RM इवेंट सो उसकी अभी मीटिंग है जस्ट सबसे लेट मैं जाने वाला हूँ वहाँ पे बिकॉज अभी जस्ट हमारे लेक्चर ख़त्म हुए बाकी सब लोग सरस्वती बिल्डिंग में वेट कर रहे हैं तो अभी सरस्वती बिल्डिंग जाके वो मीटिंग कंडक्ट करनी है चार लोगों की मेन टीम चाहिए जिसमें 3 लड़कियां होंगे और एक बॉय होगा
जो कि एमआईटी में जितने भी क्लासरूम है वहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले हमारे इवेंट की, तो कुछ इवेंट्स रखने वाले हैं जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस एंड कुछ है, तो उसका आपको प्रमोशन करना है क्लासरूम में जाके। तो गाइस यहाँ पे आज बारिश हो रही है और हमारा आई एस का लेक्चर है, मैम आके रुके अंदर, अभी हम जा रहे हैं, चलिए मिलते हैं कुछ ही समय के बाद। सो गाइस एमआईटी में बहुत ही अच्छा माहौल हो चुका है, बाहर बारिश हो रही है। अरस जय संकेत हाँ बोलना। इट इज रेनिंग। यस आई नो। आई जस्ट वांटेड टू कम एंड योर वीडियो। यस यस यस। तो मौसम आहे मस्ताना सॅटरडेला बसताना। मी जय देवरे, मी तुझा मित्र आहे, तुला कसं वाटतं? मला खूप भारी वाटतो, जय सारखा चांगला मुलगा माझा मित्र आहे, जय असा वर्गात एकदम हवा करणारा माणूस आहे, बस मी एवढंच बोलायची इच्छा ठेवतो। तो गाइस कैन यू इमेजिन की शाम के 4 बजे और 4 बजे इतना अंधेरा हो चुका है। 4 बज गए अभी और मौसम का हाल देखो भाई लोग क्या हो गया है। अपन ने 4 लाख रुपए फीस भरी थी जी सर, तो उसके लिए अपन ने रेन डांस का सेटअप किया है। एक्चुअली एमआईटी में बारिश गिर रही है, बाहर नहीं है बारिश। अच्छा सिर्फ एमआईटी में गिर रही है क्या? 4 लाख हम लोग पानी के भरे है, मतलब हमारे 4 लाख पानी हो गए। पवन के झोंके भी आज कुछ दरख्त से टकराए थे, दरख्त याद होता है पेड़। हाँ हाँ वाह। पवन के झोंके भी आज कुछ दरख्त से टकराए थे, आसमान में भी कुछ घने अंधियारे से छाए थे, कुछ बूंदे बादलों से बेईमान हुई, आज शहर में मेरे पहली बरसात हुई। भाई नीलेश और मैंने आज तो मॉल कर दिया था, मैंने इसे कहा था भाई यहाँ हमारे एमआईटी के कॉलेज में आज बहुत ज्यादा बारिश गिर रही है और ये मेरे दोस्त धवन और ये जीविता तुम्हाला कसं वाटलं या पावसात भिजून? खूप छान वाटलं। छान वाटलं हे या मैत्रीचं कसं वातावरण तुम्हाला वाटलं? कसं वाटलं आयशर तुम्हाला कसं वाटलं? हॅलो कसं वाटलं तुम्हाला? ईशान भाई तुम्ही आज कैसा लगा इस बारिश के भीके? भाग घेना ये है कि बीएमसी को बुलाओ गड्ढे भरवो। और आपको कैसा लगा वेदन सर? भाई बारिश में तो मजा आ गया लेकिन चिल्ड बियर होती ना। सर आपको कैसे लगा इस बारिश में भीगकर हमारे साथ? स्माइल सर कुछ बोलो सर, सर कुछ तो बोलो सर। बारिश का मजा भीगने में अकेले में आता है। बारिश का मजा भीगने में अकेले में आता है, बट साथ में अगर आपकी बेगम हो तो और। नमस्कार, ये बढ़िया था गुरु। आपको कैसा लगा एक स्माइल इस खूबसूरत चेहरे को देखिए, मुकड़े को? दिस इज द एमआईटी स्टूडेंट ऑफ द ईयर मिस्टर सागर। मंडल एग्जाम है पेपर में आई अशी तू एवढी गोरी कशी काय? नाही भाई सारखी कमाल आहे